हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे इस वीडियो में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस बात के लिए सॉरी कि हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहे थे, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशूज़ थी। तो पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 के अंदर हम देख चुके हैं कि वाटर पॉल्यूशन में सब कुछ पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 के अंदर हम लोग बेसिकली दो टाइप के पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो कि शंकर आईएएस एनवायरमेंट पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को लेकर के। सबसे पहले देखते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले ये सॉइल पोल्यूशन पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए सॉइल है क्या। तो सॉइल बेसिकली एक थिन लेयर है जो कि अर्थ के रॉकी सरफेस के ऊपर आपको देखने मिलेगी। कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से समझिए कि अगर ये अर्थ है, जैसे कि ठीक है, अर्थ की धरती है और ये इसका रॉकी सरफेस है, मतलब कि ये पूरा पूरा रॉक से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। अब ये रॉक के ऊपर जो ये मिट्टी होती है, मिट्टी की लेयर होती है बहुत मोटी सी, इसको थिन लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि रॉक के कंपैरिजन में ये जो सॉइल की लेयर है ये थोड़ी पतली होती है। तो इसमें एक लेयर होती है टॉप सॉइल करके, फिर एक होती है सब सॉइल करके, फिर एक होती है पेरेंट मटेरियल, और फिर यहाँ पर होता है बेड रॉक, ठीक है। और यही बेड रॉक के ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं, पेरेंट मटेरियल, सब सॉइल और टॉप सॉइल, दिस इज़ मेनली रिफर टू एज सॉइल, इसी को सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल बेसिकली वो हिस्सा है अर्थ के रॉकी सरफेस यानी कि बेड रॉक के ऊपर का, जिसके ऊपर आपकी कल्टिवेशन हो सकती है, जिसपे चीज़ें उग सकती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल पॉल्यूशन का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, पॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है किसी भी चीज़ में कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड की जाए जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिटेरिएट हो जाए। तो सॉइल में भी ऐसा ही होता है, सॉइल में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जिसके थ्रू उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉइल को पॉल्यूट किया जा रहा है। फिर अब ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज कौन करता है? तो वो करते हैं सॉइल पॉल्यूटेंट। सॉइल पॉल्यूटेंट ऐसी चीज़ें करते हैं। अब ये सॉइल पॉल्यूटेंट बेसिकली कौन कौन है? तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है सॉइल पॉल्यूटेंट, बेसिकली कोई भी सॉइल पॉल्यूटेंट हो सकता है। फ़र्क ये है कि अगर वो क्वालिटी को लो करता है सॉइल के, तो वो कोई भी फैक्टर जो है वो सॉइल पॉल्यूटेंट हो सकता है। चाहे वो क्वालिटी को अगर लोअर कर दे, टेक्सचर को लोअर कर दे, सॉइल के अंदर के मिनरल कंटेंट को कम कर दे, या फिर सॉइल के बायोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है ना, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं सॉइल में, अगर उनको वो किल करने लग जाए, ठीक है, सॉइल पॉल्यूटेंट, तो क्या होगा कि वहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन हमें देखने मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें सॉइल पॉल्यूटेंट में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल पॉल्यूशन को लेकर के। अब आगे चलते हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है, इसकी वजह क्या है? तो बेसिकली अगर हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ें तो इसकी ज़्यादा वजह नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी ऐसे मोटे मोटे तौर पर आपको काफ़ी अच्छी वजह मिल जाएंगी जिनकी वजह से सॉइल पॉल्यूट हो रहा है आज के ज़माने में। तो वो है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है फर्टिलाइजर का, मतलब कि जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको प्लांट्स तो अब्जॉर्ब कर नहीं पाते और फिर सॉइल के ऊपर आ जाता है वो, और जब सॉइल के ऊपर आ जाता है तो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है सॉइल में, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स के साथ ही बना होता है फर्टिलाइजर, ठीक है ना। और फिर फर्टिलाइजर जो है क्या करता है कि लीचिंग भी करता है, तो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है उससे, और सॉइल की क्वालिटी डिटेरिएट हो ही रही है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो यूज़ करते हैं, उनका हार्मफुल इफेक्ट हमारे अर्थवर्म और नेमाटोड्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल के अंदर, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करते रहते हैं सॉइल में, सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी को, उसकी नेचुरल कैपेसिटी को कि वो रिन्यू कर सके अपने आप को सॉइल, उसको किल करते हैं। हर्बिसाइड्स भी ऐसा ही करते हैं। फिर जो सॉलिड वेस्ट हम लोग सॉइल के ऊपर डाल देते हैं, सॉइल है, सॉइल के ऊपर सॉलिड वेस्ट डालते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका कोई प्लास्टिक हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो, जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ डिग्रेड होगा, उसका प्रोसेस डिग्रेडिंग का शुरू होगा, तो यहाँ से फाउल स्मेल निकलेगी, अलग अलग टाइप के डिजीजेज यहाँ से फैलेंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि उल्टा सॉइल भी पॉल्यूट होगी, तो सॉइल भी कल्टिवेबल, अरेबल नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो आप सॉलिड वेस्ट डंप करते हो। तो फिर अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल क्या होती है, वो बाउंड नहीं रह पाती एक जगह पे, इकट्ठा नहीं रह पाती, तो उसकी अगर हवा चलती है या फिर पानी का फ्लो आता है तो वो सॉइल को बहा के ले जाता है, एंड सॉइल इरोजन, ऐसा सॉइल इरोजन जैसा प्रोसेस भी हमारा प्ले में आ जाता है, यानी कि सॉइल इरोजन भी देखने में मिलता है जब डिफॉरेस्टेशन होता है। तो फिर पॉल्यूशन होता है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या कि घर वर काफ़ी अगर बन जाएँ, अब शहर इसमें मेनली बोलने हैं कि शहरीकरण, यानी कि शहर जो है उसको बसाना हम लोग जब चालू कर देते हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जहाँ पे घर रहेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन, मतलब वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, और वो वेस्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डंप किया ही जाएगा, तो वो बेसिकली सॉइल
वाले इलाके में डंप किया जाता है, और वो ऐसे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती रहती है रेगुलर तौर पे, और काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा पोल्यूशन वहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो जहाँ शहर बसेगा वहाँ घर तो बनेंगे ही, और जब घर बनेंगे तो वहाँ पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो पोल्यूशन होगा तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन सॉइल पोल्यूशन से होता है, क्योंकि सॉइल ही एज अ डंपिंग ग्राउंड ट्रीट किया जाता है अर्बन एरियाज़ में। इसके साथ साथ सोर्स क्या क्या है सॉइल पॉल्यूशन के, किन किन वजहों से सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हुई है, वो अपना काम वाम करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेस करने के बाद फिनिश्ड गुड मार्केट में भेज देगी, लेकिन जो वेस्ट होता है जिसके अंदर काफ़ी टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, साइनाइड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जितने हैं वो सबको डंप कर दिया जाता है बेसिकली सॉइल में, और वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो पेस्टिसाइड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, एल्गीसाइड हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ डालते हैं तो वो वहाँ की सॉइल को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल करते हैं ये सब पेस्टिसाइड। साथ ही साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है, ठीक है ना। पेस्टिसाइड को डालने की वजह से जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो लो हो जाती है, अपने आप को रिन्यू करने की ताकत है वो लो हो जाती है। फर्टिलाइजर और मैन्योर का जब इस्तेमाल करते हैं जो कि आर्टिफिशियल वे में प्रोड्यूस किया जाते हैं, तो वो सॉइल ऑर्गेनिज्म को किल करना चालू कर देते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करना चालू कर देते हैं, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट, फर्टिलाइजर के अंदर सॉल्ट वॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो वो सॉल्ट कंटेंट को बढ़ा देते हैं सॉइल के। तो जब सॉल्ट सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाती है ना, वो ज़्यादा अरेबल रह नहीं जाती, और वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन जैसा प्रोसेस हमें देखने मिलता है, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी डंप किया जाने लग गया है हाल ही में हम देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा, रेडॉन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो रेडॉन और ये सब जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं इनको अगर हम लोग तोड़ें, ये सब बड़े बड़े मोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको अगर तोड़ा जाए तो ये अलग अलग न्यूक्लियॉन्स में टूट जाते हैं, कुछ लोग न्यूट्रॉन में, कुछ लोग प्रोटॉन में टूटेंगे आपस में। जब टूटेंगे तो ये लोग एनर्जी देते हैं, ठीक है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम और रेडॉन और रेडियम इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं एलिमेंट्स, कि ये रेडिएशन फेंकते हैं, तो इनको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो जो भी चीज़ रेडिएशन फेंकती है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो जो भी चीज़ रेडिएशन फेंकती है, ए इधर आ, छुट्टी इधर आ, जो भी चीज़ रेडिएशन फेंकती है उसका एक ख़राब बात ये होता है कि वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करती है। तो जब रेडियो एक्टिव वेस्ट को सॉइल में फेंक दिया जाता है तो वो आसपास के इलाकों को भी पॉल्यूट करती है, और साथ ही साथ जो है लोगों को हार्म पहुंचाती है, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि एसिड रेन जब होती है तो सॉइल के अंदर एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है, तो सॉइल एसिडिक हो जाती है वहाँ की। जब वेदरिंग प्रोसेस होता है तो वेदरिंग प्रोसेस में अगर एसिड रेन आती है या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हमें देखने मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर जहरीला पदार्थ आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लेड वेड आ गया, तो ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा देखने मिलती हैं, ठीक है। फिर सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हैं, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं। तो आंसर है कि एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी इम्पैक्ट है, जैसे कि ये सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कम कर देता है। जब भी हम लोग सॉइल पोल्यूशन देखेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन उसका होना बंद हो जाएगा, तो नाइट्रोजन मिल नहीं पाएगा क्रॉप को, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, और सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा उसके सॉइल में बढ़ जाएगी, ठीक है। सब अच्छी बातें नहीं है। इरोजन बढ़ जाता है सॉइल का, तो सॉइल इकट्ठा एक जगह रह नहीं पाएगी। रिजर्वायर जो होते हैं वहाँ पे सिल्ट का डिपोजिशन होना चालू हो जाता है, और जब ये डिपोजिशन होना चालू हो जाता है तब वहाँ सॉइल का, इस सॉइल की पोल्यूशन की वजह से ही सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये रिजर्वायर है, ठीक है, तो रिजर्वायर समझ रहे हैं ना, मतलब डैम वैम की बात कर रहा हूँ या फिर लेक्स वेक्स टैंक्स वैंक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होगा कि अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ की सॉइल पोल्यूट हो गई, तो अब ये सॉइल जो है नीचे आना बैठना चालू हो जाएगी, क्योंकि सॉइल में पोल्यूशन मिल गया ना, तो सॉइल नीचे आना बैठना चालू हो जाएगी, ऊपर रह नहीं पाएगी, तो वो चीज़ जो है सॉइल के लिए हार्मफुल होती है। इसी के साथ साथ हेल्थ की बात करें हम लोग, तो हेल्थ में क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, जब हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर जात में पानी जो होता है अंडरग्राउंड में वो पॉल्यूट होता है, जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को भी अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं। बायो मैग्नीफिकेशन होता है, ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं इकोलॉजी के चैप्टर में, तो बायो मैग्नीफिकेशन भी एक हार्मफुल प्रोसेस है। साथ ही साथ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट गैसेस। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है कि जो वेस्ट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि जिनसे रेडिएशन निकलता है, दो आर नोन एज रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये जो इनका अगर रिलीज होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का सॉइल पॉल्यूशन के थ्रू, तो
तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पे आता है, ठीक है। और पॉल्यूटेंट गैसेस का भी जो इम्पैक्ट होता है वो भी हेल्थ पे आता है सीधे सीधे, ठीक है ना। पॉल्यूटेंट गैसेस कैसे निकलती है, जैसे मान लीजिए सॉइल के ऊपर खूब ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ था, अब इनका डिकम्पोजिशन चालू हुआ तो इनसे स्मेल निकलेगी, इनसे गैसेस निकलेंगी, मिथेन टाइप की और अलग अलग टाइप की गैसेस निकलेंगी, जो कि जिनको सूंघने पे हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, हमारी एज कम हो सकती है। इन्वायरमेंट के क्या के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा तो वहाँ वेजिटेशन हमें देखने मिलेगी नहीं, एक तरीके का डेजर्टिफिकेशन वहाँ कॉज हो जाएगा, तो रिड्यूस्ड वेजिटेशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें देखने मिलेगा, इकोलॉजी में बैलेंस रह नहीं जाएगा, फ्लोरा फौना डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में बेसिकली क्या है कि क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रेन है, कोई पाइप जा रही है, यहाँ घर है खूब ढेर सारे बने हुए हैं और आजू बाजू में यहाँ पे पाइप्स बिछे हुए थे, यहाँ से पाइप से पानी जा रहा था, तो यहाँ पर अगर प्लास्टिक प्लास्टिक फंस जाए या फिर कुछ ऐसा फंस जाए, ठीक है ना ब्रो, तो यहाँ से पानी निकल नहीं पाएगा, यहीं पानी रुक जाएगा, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट कि वहाँ पे जो ड्रेन है वो क्लॉग हो जाएगा, वो फंस जाएगा, ठीक है ना। क्यों फंस जा रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे अर्बन एरियाज में प्लास्टिक प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पॉल्यूटेड सॉइल भी इकट्ठा हो जाता है, तो यही सब चीज़ें होती हैं कि सॉइल पॉल्यूशन का गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट में इस बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जब पानी और वो चीज़ दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिशन के जो आसार हैं वो घट जाते हैं, फिर यूँ कहिए कि डिकम्पोजिशन वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल मीजर इसके लिए क्या क्या है, सॉइल पोल्यूशन के लिए तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बल दिया जाए, जहाँ पर हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, जो कि ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। 4R, रिड्यूस रिफ्यूज रियूज रिसाइकल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। एफॉरेस्टेशन किया जाए, नए नए पेड़ लगाए जाएँ, रिफॉरेस्टेशन किया जाए, अगर कोई पेड़ पुराना काट रहे हैं तो एक नया पेड़ उसकी जगह पर लगाएं। सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीट किया जाए बिफोर डंपिंग इट ऑन दी ग्राउंड, ताकि वो सॉइल पोल्यूशन ना कॉज करे। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़े तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अनप्लीजेंट नॉइज़, ऐसी नॉइज़, ऐसी आवाज़ जो कि आपके लिए प्लीजिंग ना हो, आपको दुख पहुँचा रही हो, आपको कष्ट पहुँचा रही हो, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, चाहे मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो अनॉइंग है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 75 डेसिबल के ऊपर की अगर आवाज़ आप सुनते हैं तो उससे आपकी हियरिंग डैमेज हो सकती है। 10 डेसिबल का इंक्रीज किसी भी वॉइस में वो इसकी लाउडनेस को डबल कर देगा, इट विल इंक्रीज इट बाई 2 टाइम्स, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रिकमेंडेड है कि इंडोर में यानी कि घर के अंदर जो आपके पास साउंड होना चाहिए साउंड लेवल, वो 30 डेसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉइस पोल्यूशन को लेकर के हो गया कि कुछ खास था नहीं नॉइस पोल्यूशन में। वैसे ये दोनों टॉपिक ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कि एम्बियंट नॉइज़ लेवल मॉनिटरिंग, ठीक है, ये स्टेप है। क्या स्टेप है इसमें, इसके लिए एक रूल पास किया गया, नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स, जो कि 2000 में पास किए गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन नॉइज़ लेवल है अलग अलग एरियाज़ के लिए क्या होना चाहिए नॉइज़ लेवल, या फिर कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कम से कम कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एरिया में कितना ज़्यादा साउंड होना चाहिए उसको डेसिबल्स में करके बताया गया था, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, कमर्शियल एरिया हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, या फिर साइलेंट जोन हो, तो उनके यहाँ कितना ज़्यादा नॉइज़ लेवल होना चाहिए उस चीज़ को बताया गया था। तो 2011 में, 11 साल बाद नॉइज़ पॉल्यूशन रूल के लागू होने के 11 साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रियल टाइम एम्बियंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क चालू किया। रियल टाइम एम्बियंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क का मतलब है कि इसके अंदर वो लोग बैठे बैठे ये पता पाएंगे कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का लेवल कितना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके अंडर, इस प्लान के अंडर दो चीज़ें की गई, तीन चीज़ें की गई। पहले फेज़ में क्या किया गया कि 5 रिमोट नॉइज़ मॉनिटरिंग टर्मिनल इस्टेब्लिश किए गए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नॉइज़ जोन्स में, 7 मेट्रो में। 7 मेट्रो माने कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया और लखनऊ हो गया। तो कितने मेट्रो हो गए, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ। अब ये 7 मेट्रोज़ में, जो 7 मेट्रो सिटी हैं, इन्हीं मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग इलाकों में नॉइज़ जोन्स इस्टेब्लिश किए गए। जैसे मान लीजिए ये हमारे सिटीज़ हैं, ठीक है, 7 मेट्रो सिटीज़ ऐसे ही होंगे खूब सारे, ठीक है। तो इन्हीं सिटीज़ में क्या है कि अलग अलग इलाकों में, एक यहाँ पे, 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 तो अलग अलग इलाकों में जो है अलग अलग नॉइज़ जोन्स इस्टेब्लिश किए गए जिनको मॉनिटर किया जाएगा। फेज़ टू में क्या किया गया कि और 35 सिटी ऐड कर दिए गए, यानी कि 7 तो पहले थे ही, नहीं, सॉरी, 7 मेट्रो जो थे उसी में 35 जगह और इस्टेब्लिश कर दिए गए। जैसे मान लीजिए कि पहले एक मेट्रो, मान लीजिए ये थे हमारे 7 मेट्रोज करके, ठीक है, और हर एक मेट्रो में मान लीजिए आपका
पांच रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग टर्मिनल स्टैब्लिश किए गए, पांच सेंटर स्टैब्लिश किए गए समझने के लिए कि नॉइज पॉल्यूशन लेवल वहां पे कितना है। अब पांच ही स्टैब्लिश किए गए थे, अब इन्हीं सात सिटीज में पांच पांच और स्टैब्लिश कर दिए गए, तो 35 नए स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 35 सेंटर और नए आ गए फेज टू में, पर उन्हीं सात सिटीज में। सिटीज नई नई नहीं आई हैं, मतलब कि नई सिटीज को ऐड नहीं किया गया है, पर फेज थ्री में नई सिटीज को ऐड किया गया, 18 नई सिटीज को ऐड किया गया और 18 नई सिटीज में 19 स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए, यानी कि हर एक सिटी में ऑन एन एवरेज 5 स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए। तो ये फेज वन फेज टू और फेज थ्री को लेकर था। फेज वन फेज टू में बेसिकली सात मेट्रोज की ही बात की गई है और फेज थ्री में 18 नई सिटीज की और बात की गई है। ठीक है, तो कुल मिला के 25 सिटीज जो है वहाँ पे अभी तक हमें देखने मिलेगा कि इस टाइप के सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जहाँ पे रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क मौजूद है। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या है भाई? अनोयंस होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं कि बीपी आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड, जिस तरीके से आप सांस लेते हैं उस पर फर्क पड़ सकता है, हार्ट बीट और पल्स रेट पर फर्क पड़ सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है ये, आपकी हीयरिंग लॉस हो सकती है, ह्यूमन परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, आपको नींद नहीं आएगी ढंग से, मटेरियल को डैमेज करेगा अगर ये वेव्स, अगर ये साउंड वेव्स इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक अगर साउंड आ रही है। ठीक है, तो इन बोथ केसेस ये मटेरियल को डैमेज कर सकता है, बिल्डिंग को तोड़ भी सकता है। ठीक है, अब कंट्रोल मीजर क्या क्या है इसके लिए कि भैया सोर्स को कंट्रोल करो, जहाँ से आवाज़ आ रही है उसको ही मिनिमाइज कर दो। ठीक है, अगर आवाज़ आ रही है तो उसके ट्रांसमिशन पाथ में कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सोर्स है आवाज़ का, ठीक है, और यहाँ आप ह्यूमन हैं, ठीक है, तो इसके बाजू यहाँ पर हम लोग कोई बैरियर बना दें, मान लीजिए कोई दीवार बना दें, तो इससे क्या होगा कि इसकी साउंड जो है जो कि यहाँ से एयर से ट्रैवल कर रही थी वो अब यहाँ पे उतनी इंपैक्ट के साथ नहीं पहुँच पाएगी या फिर पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। फिर बिल्डिंग का डिज़ाइन भी ऐसा डेवलप किया जाए ताकि साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी हो, ताकि आवाज़ बाहर के अंदर ना सके, अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके, तो इससे साउंड पोल्यूशन पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल पाया जा सकेगा। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट है कि मतलब कि ट्रीज जहाँ लगा देते हैं ना वो साउंड को काफ़ी हद तक रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि हाईवेज जहाँ होते हैं उनके आजू बाजू ऐसे 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 ट्रीज लगा दिए जाते हैं। क्यों ट्रीज लगाए जाते हैं? एक ही बेल्ट नहीं, दो बेल्ट लगा दिए ऐसे ट्रीज की, ठीक है, तीन बेल्ट लगा दिए ऐसे ट्रीज की, ऐसे क्यों लगाया जाता है भाई? ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसे बेल्ट ऑफ ट्रीज क्रिएट किए जाते हैं? क्योंकि हाईवेज ऐसे इलाके में जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया हो, मान लीजिए यहाँ पर घर वाला इलाका हो कि यहाँ पर खूब ढेर सारे घर बने हुए हैं, ठीक है, तो अगर घर बने हुए हैं तो आप हाईवे बनाओगे तो यहाँ पर अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो इनकी वजह से इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको नॉइज पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक खूब मोटी मोटी चादर में ग्रीन बेल्ट यानी कि ट्रीज को लगा दिया जाए तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होकर के इनके घर में पहुँचने वाला था वो काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल तरीके से घट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे ट्रीज को लगाने से, उनकी लेयर को लगाने से हम लोग साउंड पॉल्यूशन को, ट्रांसमिशन पाथ को ही कमज़ोर कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसी के साथ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करके भी साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि जॉब रोटेशन, अब एक ही आदमी पूरा दिन काम करता रहेगा नॉइज पॉल्यूशन के इलाके में तो उसकी हियरिंग डैमेज होनी ही है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े इंटरवल पे अलग अलग लोग काम करेंगे तो सबके लिए जो है स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, जब सॉइल नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो तो आप वहाँ पर जाए ही ना, ठीक है, तो एक्सपोजर टाइम आप रिड्यूस कर दें। हियरिंग के लिए कुछ प्रोटेक्शन लेके चले, कान में खूटी उटी ठांस लें या फिर कोई रुई वुई लगा लें, तो दैट विल जस्ट प्रोटेक्ट योर हियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और भी ऐसे मेजर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो इन विच इट वी डिस्कस्ड अबाउट नॉइज पोल्यूशन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट रियली। So comment on as well, comment as well so that we can improve. And agar dislike bhi karte hain aap to uski wajah bataiye ki kyun aap dislike kar rahe hain, kya aapko acha nahi laga. Thank you very much friends, let's meet in the next video part 5 in which we will study radioactive pollution and e-waste. Theek hai.